पूरी तरह से ऊपर आ चुका है। ऊपर ये जैसे आएगा तो ये इतने ही ऊपर पे नहीं रुकेगा और आप ऐसे चढ़ भी नहीं सकते हो। इस पे चढ़ने के लिए एक स्पेशल कह सकते हो यहाँ पे आएगा चीज। फाइनली एंशिएंट सीक्रेट मोड वापस आ चुका है और हे गाइस मैं आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब के एक बहुत ही कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। और जैसे कि देख सकते हो एंशिएंट टेम्पल 2.0 का गेम प्ले मैंने स्टार्ट कर दिया और भाई साहब ये 2.0 है, इसके अंदर ऐसा कमाल कमाल का चीज आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप पूरी तरह से शॉक होने वाला। और यहाँ आप देख सकते तो लॉबी में आते ही पूरी तरह से धुंध चलना स्टार्ट हो जाएगा और यहां देख सकते हो रेत का तूफान आ जाएगा और उसके बाद जो होगा वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप लोग। सिंपली देख सकते हो पहले धुंध यहां पे आएगा, ये कह सकते हो रेत का बहुत ही तगड़ा तूफान आएगा लॉबी के अंदर और उसी के बाद यहां पे निकलेगा फैरो। और ये जो फैरो है, पहला वाला जो फैरो आया था 1.0 के अंदर, वो नॉर्मल फैरो था, वो ऊपर की तरफ जाता था और कुछ नहीं करता था। लेकिन ये फैरो जैसे ही आएगा तो ये इवेल फैरो है और ये सीधा आप पे अटैक करने के लिए आएगा। और इतने ही नहीं, इसके आगे जो ये करता है वो तो और भी ज्यादा डेंजरस है। जैसे आप प्लेन में जाओगे तो प्लेन में जाते ही ये जो फैरो है वो अटैक करेगा आपके ऊपर और बड़ा सा हाथ लेके सीधा आप पे टूटेगा। और जैसे कि देख सकते हो कितना ये कोशिश कर रहा है सीधा आपके प्लेन को पकड़ने का, आपको सिंपली भागना पड़ेगा। और यहां देख सकते हो प्लेन को पकड़ने का ये पूरी तरह से कोशिश करेगा, लेकिन हमारा पायलट बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है तो वो किसी न किसी तरह इस फैरो से बचा के हमको निकल आएगा और आ जाएंगे हम इरांगल के अंदर। इरांगल के अंदर आते यदि आप मैप खोलोगे तो मैप के अंदर आपको बहुत सारे स्पेशल जगह देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो जैकल रुइंस देखने को मिल जाता है, स्कैरब रुइंस देखने को मिल जाता है, एम्परर टेंपल देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन एंशिएंट टेंपल के ऊपर या कह सकते हो एम्परर टेंपल के ऊपर ही जाएंगे और यहां देख सकते हो पिरामिड टाइप का आपको एक देखने को मिल जाएगा। और पहले जो हमें एंशिएंट टेंपल देखने को मिलता था उसके ऊपर हम लैंड कर सकते थे, लेकिन इसके ऊपर हम लैंड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको पिरामिड देखने को मिल जाएगा। यदि लैंड भी करने का कोशिश करोगे तो नीचे गिर जाओगे, यहाँ पे लैंड बिल्कुल भी आप नहीं कर पाओगे। तो सिंपली यहाँ पे आ जाना है और नीचे आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपका जोन स्टार्ट होगा ना, जोन स्टार्ट होने के साथ साथ ही यहाँ पे ये जो एंशिएंट टेंपल है ये ऑटोमेटिकली नीचे से ऊपर आ जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टाइमिंग भी चल रहा है और यहाँ पे कुछ ही सेकेंड के अंदर ये बाहर आएगा। अब यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ जब तक ये बाहर आता है और सबसे पहले लुक दिखा देता हूँ। ध्यान से देखोगे तो भाई देखो क्या मतलब क्या गजब लुक है, और जो पहले वाला हमारा एंशिएंट एप्पल आया था उससे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब देख सकते हो कुछ देर मैंने वेट किया तो ऑटोमेटिकली जो पिरामिड था वो गायब हो चुका है और उसके अंदर से कुछ हलचल होना स्टार्ट हो चुका है। और कुछ ही देर जैसे आप वेट करोगे तो यहां पे एक एंशिएंट टेंपल या कह सकते हो एम्परर टेंपल जो है वो निकलेगा और एक फैरो या कह सकते हो यहां पे जो जैकल टाइप का जो भी यहां पे कह सकते हो प्राचीन जो भी यहाँ पे जीव है ये वो यहाँ पे देख सकते हो पूरा एंशिएंट टेंपल को नीचे से लेके ऊपर निकलेगा, जो कि बहुत ज्यादा कूल इफेक्ट देता है। और भाई देखो मतलब क्या बताओ कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा है, आप खुद देखो यहाँ पे ऊपर ये आ रहा है और पूरी तरह से ऊपर आ चुका है। ऊपर ये जैसे आएगा तो ये इतने ही ऊपर पे नहीं रुकेगा और आप ऐसे चढ़ भी नहीं सकते हो। इस पे चढ़ने के लिए एक स्पेशल कह सकते हो यहाँ पे आएगा चीज़, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, और मिरर वॉल जैसा ही है वो, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा कूल इफेक्ट देता है। और यहाँ देख सकते हो ये पूरी तरह से ऊपर चला गया है, इसका यहाँ पर जो फ्लोर है मतलब नीचे जिस पर यह चलेगा ये ऑटोमेटिकली बिल्ड होता जाएगा और उस पर यह चलता जाएगा और पूरा एंगल ये घूमेगा। और इस पर यदि आपको चढ़ना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे मैप के अंदर एक जगह पर रुकेगा और जहां पे भी ये रुकेगा वहां पे आपको चढ़ने के लिए एक चीज दिया जाएगा, जो कि मैं आपको सिंपली दिखा देता हूं। सबसे पहले गाड़ी लेते हैं और पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि जहां पे भी ये रुकेगा वहीं से हम चढ़ सकते हैं। तो सिंपली यहां पर देख सकते हो जैसे मैं स्कूल के पास आया तो यहां पर आपको कुछ प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा इस टाइप का। इस प्लेटफॉर्म के पास आ जाना है और थोड़ी देर आप जैसे रुकोगे तो जैसे वो फैरो ऊपर वाला रुकेगा तो एक यहां पर बीम बनता हुआ आएगा ऊपर से नीचे की तरफ और उसके साथ आप सिंपली उड़ सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं कैसा वाला। तो यहां पे थोड़ी देर आपको वेट करना है और देखना है यहां पे जो ऊपर से आने वाला है एक बहुत ही कमाल का कह सकते हो रास्ता, देख सकते हो ये बालू का एक रास्ता बन गया है और यहां पे बालू उड़ रहा है ऊपर से नीचे। तो इसके पास सिंपली क्या करना है आपको, ये जाना है और जैसे आप जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये खींच लेगा ऊपर और उसके बाद शुरू होगा और एक कहानी, जो कि और भी ज्यादा कमाल का है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई यहां पे क्या कहानी है, तो देख सकते हो एक मैप बना हुआ
आ जाएगा जैसे मिरर वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलता था। और जो एंसेंट टेम्पल 2.0 ये है, एम्परर टेम्पल के अंदर आपको बहुत सारे मिशंस देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे लूट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे ढेर सारे बंदे भी आएंगे तो भाई किल भी भर भर के मिलेगा और साथ ही साथ लूट भी भर भर के मिलेगा। अभी थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है क्योंकि बीटा वर्जन के अंदर है और पिंग भी बहुत ज़्यादा कम चल रहा है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, तो 300 का पिंग चल रहा है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा अच्छा वाला गेम प्ले। लेकिन यहाँ पर देख लो बहुत सारे सीक्रेट चीज यहाँ पे है जो कि मैं एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया और मेरा गेम ही क्रैश हो गया। लेकिन हाँ यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा आपको लूट देखने को मिल जाता है, लेवल 3 का लूट देखने को मिल जाता है, बहुत सारे दीवार को आप तोड़ के अंदर घुस सकते हो तो वो भी बहुत ही कमाल का बात है। कुछ इस टाइप का मिशन रूम देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद कुछ आपको मिशन कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको और भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो वो भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आप ऊपर की तरफ आओगे तो एक बॉक्स देख सकते हो ऊपर रखा हुआ है और उसको यदि लाना है नीचे तो पहले जैसे हम एंजन टेंपल के अंदर करते थे यहाँ पे क्या सकते हो पजल सॉल्व करते थे, वैसे यहाँ पे आपको एक लिवर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप उसे घुमाओगे तो आपका धीरे धीरे पजल सॉल्व होगा और जैसे आपका पूरी तरह से पजल सॉल्व हो जाता है तो सीधा जो बॉक्स है वो नीचे आ जाएगा और जैसे नीचे आएगा तो उसके अंदर से आप सिंपली सामान निकाल सकते हो और सामान निकालने के बाद आप जा सकते हो दूसरे मिशन कंप्लीट करने के लिए। और सबसे ज्यादा यहाँ पे कमाल का चीज था कि यहाँ पे बहुत सारे जॉम्बी टाइप का मॉन्स्टर था और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज था, सांप था जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता था तो वो सांप भी है। तो यहाँ आप देख सकते हो सामने वाले जो मिशन रूम है उसके अंदर चलते हैं और उसके अंदर सांप भी आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत सारा सांप है, मतलब बहुत ज्यादा कमाल का है, मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको आगे जाना है एक मिशन कंप्लीट करने के बाद। इसका मेन रूम में अभी तक मैं घुस नहीं पाया, पता नहीं वो कब तक खुलेगा और घुसने का क्या तरीका है। तो यदि आप लोग को मिल जाता है तरीका तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर बता देना, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का। और यहाँ पे देख सकते हो दूसरे पजल रूम के अंदर जैसे आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको मॉन्स्टर भी देखने को मिलेगा और ढेर सारा यहाँ पे एनोकोंडा तो नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पे शेषनाग बैठा हुआ देखने को मिल जाएगा जिसको आपको मारना है। जैसा जैसा आप उसे मारते जाओगे तो आपका मिशन कंप्लीट होगा और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सांप है भाई, यहाँ पे मारते मारते आप थक जाओगे तो फटाफट यहाँ पे सांप को मारना है। और जैसे जैसे आप सांप को मारोगे तो बहुत सारा आपको हेल्थ मिलेगा, बहुत सारा लूट भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज मुझे पसंद नहीं आया, यहाँ पे थोड़ा सा रिवॉर्ड ज्यादा देना चाहिए जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता। और यहाँ देख सकते हो सांप आप पे अटैक भी करेगा तो सांप से आपको बच बच के रहना पड़ेगा और यहाँ देख सकते हो मैं बच बच के उसे खत्म कर दिया। उसके बाद आपको ऊपर जाना है, ऊपर वाले जैसे फ्लोर पर आप जाओगे तो एक क्रेट देखने को मिल जाएगा लेकिन उसे खोलने जैसे जाओगे तो यहाँ पे दो मॉन्स्टर आएगा जिसको आपको फटाफट से मारना पड़ेगा। और यहाँ पे मारते मारते मेरा नेट ही चला गया था तो मैं इसे नहीं मार पाया, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा इजी है इसको मारना, आपको सिंपली मारना है, अकेले भी मार दोगे, पीछे पीछे भागते जाना है और आगे आगे फायरिंग करते जाना है तो इजीली ये मर जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आपको इसे मार देना है। और एक बात बता देता हूँ, ये जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा वायलेंस है, मतलब वायलेंस कहते क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाँ बहुत ज्यादा खूंखार है और बहुत ज्यादा वायलेंट है, मतलब वायलेंट ही कहते हैं पता नहीं, हाँ तो बहुत ज्यादा ये मॉन्स्टर पावरफुल है तो उससे बच के रहना है। और यदि आप मर जाते हो तो चिंता लेने की कोई भी बात नहीं है, मरने से पहले या क्या सकते हो एंशिएंट टेंपल पे जाने से पहले आपको एक चीज ढूंढ लेना है। तो यदि आप सोलो भी खेलोगे तो आप ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाओगे और वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो बहुत सारे जगह पे जोन बनेगा, स्पेशल जोन बनेगा और वहां पे आपको स्कैरब देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो कुछ इस टाइप का स्कैरब देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है इसको आपको सिंपली इसको उठा लेना है। अब आप बोलोगे स्कैरब का क्या काम है, तो जैसे आप एलिमिनेट हो जाओगे सोलो भी खेल रहे हो और यदि आप एलिमिनेट हो जाते हो इस स्कैरब के मदद से आप ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाओगे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल का चीज है, मतलब एक एक्स्ट्रा लाइफ आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से रिकॉल का तो फीचर है ही, यदि आपका दोस्त है तो वो तो आपको रिकॉल कर ही देगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्कैरब रुइंस भी देखने को मिल जाएगा। यदि यहाँ पे आप आते हो तो बहुत सारे स्कैरब उड़ेगा और चलेगा, जिसे आप मारोगे तो बहुत सारा कैश देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो स्कैरब उड़ रहा है तो उसे आपको मारना है थोड़ा सा बच बच के, मतलब वो अटैक तो नहीं करता है, मतलब अटैक बिल्कुल ही नहीं करता है लेकिन हाँ उससे बच बच के उसे मारना है। लेकिन यहाँ पे आपको मॉन्स्टर देखने को मिल जाएगा या जॉम्बी देखने को मिल जाएगा, ममीज, तो उसे आपको सिंपली जल्दी से जल्दी मार सकते हो और जितना जल्दी उसे मारना चाहते हो मार लेना क्योंकि वो बहुत ज्यादा डैमेज देता है और वो सीधा आपको एलिमिनेट कर देगा। तो सिंपली आपको फटाफट से उसे मारना है और यहाँ देख सकते हो ये फंस चुका है और यहाँ पे बॉट भी आ रहा है तो फटाफट से इसे हम क्लीन कर देते हैं, मतलब फिनिश कर देते हैं पूरी तरह से। और इसे मारना बहुत ज्यादा ईजी है, देख सकते हो हेल्थ बार आपको देखने को मिलेगा और आपको बताया जाएगा कि कितना देर में ये मरेगा, तो इसे आप फटाफट से मार सकते हो। मारने के बाद ये आपको नॉर्मल लूट देगा, ये मत समझना कि भाई ढेर सारा लूट देगा, मैं आपको मार के दिखाई देता हूँ फटाफट से इसे।
तो यहाँ देख सकते हो जैसे आप इसे मार दोगे तो मारने के बाद ये आपको लूट देगा, थोड़ा सा पैसे भी देगा, तो वो पैसे लेके आप सिंपली आगे जा सकते हो और बहुत ही आराम से इंजॉय कर सकते हो गेम को। अब यदि हम बात करें दूसरे चीज का, तो यहाँ पे एक और आपको देखने को मिल जाएगा रुइंस, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लो स्कैरब को मारना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे आप उस पर शूट करोगे तो वो सिंपली मर जाएगा, और जैसे वो मरेगा उसके बाद आप सिंपली गेम को इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट रुइंस का, तो जैकल रुइंस आपको देखने को मिल जाएगा। जैकल यानी कि मेरा रुइंस, और सेकंड चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पार्ट टू इस गेम प्ले का वही चैनल पे आने वाला है। अब देख सकते हो यहां पे आपको कुछ इस टाइप का जैकल रुइंस देखने को मिल जाएगा। और इस रुइंस का बात करें तो यहां पे भी आपको मिशंस देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहां पे भी आपको ढेर सारा लूट के साथ साथ ढेर सारा मॉन्स्टर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे भी आपको मॉन्स्टर से फाइट करना है, लूट करना है, और जो भी यहां पे पजल है देख सकते हो बीच के अंदर आपको पजल देखने को मिल जाएगा, उसको सॉल्व करना है, उसके बाद क्रेट लेना है और इंजॉय करना है। देखो बहुत कुछ है इस गेम प्ले के अंदर जो कि मैं नहीं दिखा पाया हूं, तो वो मैं नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर दिखा दूंगा सेकंड चैनल के ऊपर। तो सेकंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, नाम है ZCKL, तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना। और यहां पे भी देख सकते हो मॉन्स्टर आ चुका है, लेकिन हमारे पास है M249, तो पूरा शूट करेंगे और इसको यहां पे फिनिश डालेंगे। और यहां देख सकते हो ये फिनिश हो चुका है, फिनिश होने के बाद सिंपली अंदर जाना है, पजल सॉल्व करना है और इंजॉय करना है इस गेम को। पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस चीज को इग्नोर करना। लेकिन आई होप वीडियो देखने बात पता चल गया होगा एंसेंट टेंपल, जो हमारा एंसेंट सीक्रेट मोड है 2.0, वो कितना ज्यादा ऑसम होने वाला, और ये गेम अब कितना चलेगा ये भी आपको जरूर पता चल गया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और देख सकते हैं आप, मैं पजल सॉल्व कर लेता और उसके बाद मैं एग्जिट कर दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो लंबा हो गया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बहुत कुछ कवर करना था और बहुत कुछ अभी और बाकी है, तो उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या बोलूं, लव यू, टेक केयर एंड बाय। और इसमें से तो लूट ज्यादा नहीं मिला यार।